नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद रोचक फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाई की। ये हाई नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री में क्या इतना खास है कि भारत तक को बताना पड़ रहा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, तो ये सब कुछ जानकारी अगले आपको जो 15-20-25 मिनट तक आपको ये जानकारियां मिलेंगी इससे जुड़ी हुई। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भरत पन्नू जी हैं और तमाम साथी हमारे साथ भी हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भरत पन्नू जी के साथ। भरत पन्नू सर, बहुत स्वागत है आपका। आप सेना से जुड़े हुए हैं और भरत पन्नू सर ही इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के मुख्य किरदार हैं। भरत पन्नू सर, हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप खुद बताइए कि आपने क्या कीर्तिमान हासिल किया है। नमस्कार सभी को, और मैं हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू एंड मैं एक अल्ट्रा साइक्लिस्ट हूँ। लास्ट ईयर जब पूरा देश और पूरा विश्व कोविड से त्रस्त था एंड उसकी परेशानियों के कारण घर में रुका हुआ था, उस समय हम सोच रहे थे कि कैसे हम अपने जो हमारा टैलेंट है उसको यूज करके कैसे हम बाहर निकले अपने घरों से और सेफ्टी के साथ हम कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें जिससे जो औरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। तब हमारे टीम पन्नू जो जिसको हम कहते हैं उसके हमने डिस्कशन किया और हमने निष्कर्ष निकाला कि हम एक ऐसा गिनीज रिकॉर्ड बनाएंगे जो कि बहुत ही जोखिम भरे रस्तों से निकलता है और वो बहुत ही सॉलिट्यूड एरिया में है जहाँ पे आना जाना भी बहुत दुर्गम होता है। लोग उसको टूरिस्ट के तौर पे बहुत जानते हैं, वो है ले टू मनाली या मनाली टू ले, और ये वर्ल्ड फेमस रास्ता है जहाँ पे फॉरेनर्स बहुत टूरिस्ट आते हैं और साइकिलिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं। हमने गिनीज रिकॉर्ड में अप्लाई किया कि हम ले टू मनाली का जो दूरी है 470 किलोमीटर की, उसको फास्टेस्ट साइकिलिंग करके हम एक रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं, और गिनीज ने हमें परमिशन दिया और सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हमने अपनी टीम को हमने ले में गए। ले में हमने अबाउट 20 डेज स्क्रीनिंग किया और उसके बाद सक्सेसफुली इस रिकॉर्ड को स्थापित किया। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया सर कि ले से मनाली, ले का नाम आते ही हमारे सामने कई तस्वीरें आती हैं। चूंकि हम लगातार डिफेंस की खबरें कर रहे होते हैं और आप भी चूंकि सेना से हैं तो हम दोनों ये बेहतर समझ पा रहे हैं कि ले का नाम आता है तो हमारे सामने कैसी तस्वीरें आती हैं। लोगों के लिए तो वो एक महज रोचक ट्रिप की तरह है, तो आम दर्शकों की भाषा में ही हम समझना चाहेंगे कि वो ऐसे हाइट्स पर लेह लद्दाख मौजूद है, वहां मतलब गाड़ी से जाना अपने आप में एक बड़ा चुनौती माना जाता है। साइकिलिंग, मुझे लगता है कि नाम सुन के ही लोग, आधे लोग इसको गिव अप कर देंगे कि ये इम्पॉसिबल है। और वहां चूंकि आप सेना से जुड़े हुए हैं तो सेना का काम ही है हर इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाना। तो आपने साइकिलिंग किया, साइकिलिंग के दौरान सर आपको किस तरह की चुनौतियां आई, और सबसे बड़ी बात आप हमें बताइए कि बतौर एक सैनिक आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त जब आप इस मिशन की तरफ, आपने वो पहला वक्त कब था जब आपने तय किया कि यस आई एम गोना डू इट, और उसके बाद आप जब शुरू करते हैं तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, कैसे प्रिपेयर किया आपने, ये बताइए आप हमें। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि ले टू मनाली जब भी किसी के दिमाग में आता है तो गाड़ी से भी करना उसको बहुत मुश्किल लगता है और साइकिल से करना तो नामुमकिन। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गिनीज रिकॉर्ड जो कि ये गिनीज ने काफी टाइम से पब्लिश किया हुआ था कि ये रिकॉर्ड भी किया जा सकता है साइकिलिंग करके, और किसी ने आज तक इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट नहीं किया था। इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। एंड जब हमने ये सोचा था, इसमें काफी महीनों की मेहनत लगती है। मार्च महीने में जब हम रूम में बंद हो गए थे तो उस टाइम पे सोचा कि कैसे हम अपने आप को ट्रेनिंग करें, कैसे अपने अंदर उत्साह को रखें जिससे कि हमारे सामने एक लक्ष्य हो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो उस समय हमने डिसाइड किया कि अब इस जो हमारे पास टाइम है, इतना टाइम हमें मिल रहा है रूम के अंदर, इसको हम ट्रेनिंग के तौर पर यूज करेंगे और आगे एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जो आने वाली जनरेशन को प्रोत्साहित करेगा। और उसी दौरान हमने ये भी फैसला किया कि इस रिकॉर्ड को हम इतना अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे कि सभी लोग ये देख पाए कि कैसे हमने इस रिकॉर्ड के लिए तैयारी करी, कैसे उसको हमने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया, और जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसको करने के दौरान हमें कितनी दुर्गम स्थितियों से गुजरना पड़ा और कैसे हम इसकी फिनिश लाइन पे पहुंचे। हमने मार्च में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 22 मार्च के बाद में,
तब हमने इसकी नींव रखी थी और इसकी प्लानिंग चलती गई। पहले हमने सोचा था कि इसको जुलाई मंथ में अटेम्प्ट करेंगे, बट जुलाई मंथ में रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा थी कि हम इसमें जो जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और जब रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ईज आउट हुई अक्टूबर महीने में, तब हमने इसको ग्राउंड पे किया। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब ले टू मनाली में टेम्परेचर अक्टूबर में कितने कम हो जाते हैं, इसलिए हमने जुलाई मंथ का सोचा था, बट रिस्ट्रिक्शंस के कारण हमें परफोर्स अक्टूबर में करना पड़ा। टेम्परेचर्स दिन के टाइम ही +10°C थे और जैसे ही शाम हो गई तो टेम्परेचर्स ड्रॉप कर गए -5 to -12°C एंड बहुत ही दुर्गम स्थिति थी। बट फिर भी जैसा आप बोलते हैं कि एक सैनिक कभी हार नहीं मानता, उस समय जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ थी उसने मुझे सपोर्ट किया एंड गिव अप करना तो कभी हमारे दिमाग में आया ही नहीं। चाहे कितनी भी दुर्गम स्थिति आ गई, हमने अपने ड्रिल्स चेंज करी, चैलेंजेस को हमने और अच्छे तरीके से, मेरे क्रू ने इतना बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया कि गिव अप का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और हमने उसको एक बहुत ही गिनीज रिकॉर्ड्स ने हमें 40 घंटे का समय दिया था, हमने लगभग 5 घंटे कम टाइम मतलब 35 घंटे में हमने इस रिकॉर्ड को खत्म किया। बिल्कुल सर, ये बहुत रोमांचक रहा ये दौर, क्योंकि हमने इसका ट्रेलर देखा है, हमने दर्शकों को भी भारत तक पर दिखाया था कि इसका जब ट्रेलर आया, फर्स्ट लुक सामने आया तो कितना ये रोमांचक था। आप आमतौर पर साइकिलिंग के लिए, जैसे कि अगर आप किसी को बताना चाहें कि अगर कोई इस तरह का काम करना चाहता है तो वो कैसे प्रिपेयर करता है, उसके लिए क्या डाइट रहता है, किस तरीके से इस सब चीजों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। अच्छा, एक बहुत कॉमन सी चीज होती है साइकिलिंग के दरमियान, जैसा हम लोग समझ पाते हैं, जो कि हम लोग नॉन रेगुलर साइकिलिंग वाले लोग हैं, कभी कभी मौका मिल गया, शहरों में आमतौर पर यह संभव हो नहीं पाता है, कि पैर में खिंचाव बहुत जल्दी आ जाता है। हम जब सूखी साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो पैरों में खिंचाव बहुत जल्दी, उससे कैसे आपने निपटा, और मतलब वो हाइट्स, ठंड, मतलब हर कुछ आपके खिलाफ था, कुछ भी आपके साथ नहीं था, उसमें कैसे किया आपने, ये बताइए। मैं तो सिंगल लाइन में अगर इसका जवाब देना चाहूं तो कोई भी हम कॉम्पिटिशन जब करते हैं, ट्रेनिंग टाइम पे ही हम जितनी तपस्या करते हैं कॉम्पिटिशन उतना ही आसान हो जाता है। तो एवरीथिंग इज ट्रेनिंग, हम चाहे अपना न्यूट्रिशन हो, चाहे हाइड्रेशन, ट्रेनिंग का वॉल्यूम, दैट ओनली डिसाइड्स कि हमारा इवेंट कितना सक्सेसफुल और कितना कंफर्टेबली हम कर पाएंगे। और शायद ये ट्रेनिंग ही थी जिसने मुझे ताकत दी कि जब इतने कम टेम्परेचर्स थे और इतना चैलेंजेस थे हमारे को, हम फेस कर रहे थे, कि मेरे पास वो मेंटल स्ट्रेंथ थी कि यस, मैंने इतना अच्छे से ट्रेन किया है तो मैं ग्राउंड पे फेल हो ही नहीं सकता। जो एस्पेक्ट्स आपने बताया कि हमारे को मसल पुल एंड फटीग जो बॉडी में आता है, तो मेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है जिसमें मैं एक एक दिन के अंदर 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, या फिर जो वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स में मैं 300 किलोमीटर तक की राइड्स करता था, ट्रेनिंग राइड्स। पूरा हफ्ते का वॉल्यूम यूज लगभग 800 से 900 किलोमीटर तक रहता था। तो आप सोचिए कि मेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा है और साथ में मैं अपनी नौकरी भी कर रहा हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी को कि अगर हम कुछ चीज सोच लें कि ये चीज करनी है तो हमें कोई भी चीज परास्त नहीं कर सकती है। साथ में ही हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब हम राइड्स करते हैं, इन राइड्स करने के दौरान में हम सॉलिड फूड बहुत ही कम खाते हैं, मोस्टली हम लिक्विड डाइट पे रहते हैं, जो कि इजिली डाइजेस्टेबल होता है और साथ में हमें एनर्जी भी जल्दी प्रोवाइड करता है। हाइड्रेशन में पानी ही हाइड्रेशन नहीं होता, हाइड्रेशन इज कम्प्लीट बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। सो दीज इलेक्ट्रोलाइट्स गिव अस द दैट सोडियम बैलेंस इन अवर ब्लड, जिसकी वजह से क्रैम्पिंग नहीं होती है। तो इट एवरीथिंग कम्स डाउन टू ट्रेनिंग। ओके, ग्रेट। हम आप पर लौटेंगे सर, आपके पास आएंगे। ज्योति से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो टीम पन्नू की सक्रिय सदस्य है, वो लगातार कैमरे के पीछे थी। कैमरे के पीछे का लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट हम समझ सकते हैं कि होगा, क्योंकि ले से मनाली का रास्ता एक तो वैसे ही बहुत जोखिम भरा होता है, ऊपर से आपका पूरा नजर सारे क्रू पर रखना, कैमरे पर ध्यान देना, कहीं से कोई चट्टान टूट कर ना गिरे। तो ज्योति जी, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले, फिर हम कुछ सवाल करेंगे कि किस कितना डिफिकल्ट रहा आपके सामने भारत पन्नू सर को आपको मैनेज करना, लेकिन पहले बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ये ओवरऑल। देखिए, एक ही शब्द अगर मुझे इस्तेमाल करना है इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि एक तरफ आपके सामने बहुत ही सुंदर
व्यूज है, पहाड़ है और वाइब्रेंट कलर्स हैं, और सामने हमें दिख रहा है कि हमारे राइडर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये दोनों जो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज थे हमारे आंखों के सामने, ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारे लिए. और भरत के साथ साथ हम भी ऐसा कुछ सबसे पहली बार कर रहे थे. हमने उनके लिए क्रू पहले भी किया है, लेकिन ये जो कंडीशंस थी, जो परिस्थितियां थी, जो टेम्परेचर था, ये सब बहुत ही नया था. और इसमें एक चीज जो और हमें एक नया चैलेंज ऐड करती थी हमारे लिए, वो ये था कि यूजुअली हम किसी भी रेस में सिर्फ भरत को देखते, यहाँ पे हमें खुद को भी देखना था, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई भी नॉर्मल इंसान या काफी ट्रेंड इंसान भी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो सकता है. तो हमें अपना भी ख्याल पहले रखना था और फिर भरत का भी. तो ऑल इन ऑल बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था. उस समय लग रहा था कि हम यहाँ क्यों आ गए, लेकिन अब अगर पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कि चलो फिर से करते हैं. तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था हमारा. नहीं बिल्कुल, मतलब चूंकि हमने जितना कुछ भी देखा है, हम उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमांचक तो था, और लेह लद्दाख के नाम पर, मनाली के नाम पर रोमांच तो वैसे भी आ जाता है हमारे मन में. लेकिन भरत पन्नू सर को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट कॉल है, और प्लस एक सवाल ये भी कि रात के वक्त में ट्रैवल करते हुए शूट करना, चूंकि हम आम तौर पर देखते हैं आउटडोर शूट, नॉर्मल लोकेशन भी हो अगर कुछ शूटिंग के लिए, तो रात का जो कंडीशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए, कैमरे के लिहाज से भी, क्योंकि हम उसे फिल्म भी कर रहे होते हैं. हमें ये मालूम है कि अगर हम यहाँ कुछ भी चूकेंगे तो हमें दोबारा उसे रीटेक लेने का मौका नहीं है हमारे पास. फिल्मों में तो हो जाता है, डॉक्यूमेंट्री में ये और डिफिकल्ट है, जबकि इस तरह का सिचुएशन हो हमारे सामने, तो वो सब कितना चैलेंजिंग रहा आपके सामने, ये बताइए. अगर आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि भरत को संभालना या मैनेज करना कितना मुश्किल था, तो जैसे कि आपने बोला, भरत एक फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो खुद इतना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, और उनके एक्सपेक्टेशंस हर चीज को लेके, हर चीज एकदम सही होनी चाहिए, पिच परफेक्ट होनी चाहिए, उनके खुद से ही एक्सपेक्टेशंस इतने होते हैं, तो हमसे भी होते हैं. और ऐसे में हर जब 10 लोग साथ में आते हैं एक काम को करने के लिए, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, और ऊपर से कंडीशंस भी इतने क्रिटिकल हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे उनको हाथ में ग्लव्स पहनाना, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे जब हम ही कांप रहे हैं और उनके हाथ में हमें ग्लव्स पहनाने हैं, तो ऐसे छोटी छोटी चूक होने के चांसेस उस कंडीशन में ज्यादा थे. तो भरत को मैनेज करना बहुत आसान भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था. लेकिन स्टार्ट में जब हम स्टार्ट कर रहे थे, थोड़े से नर्वस हम लोग भी थे, बट ऑल एंड ऑल काफी ठीक रहा. थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड भी हम थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम पहले लोग थे, हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं था, हम हर चीज अपने आप ही फिगर आउट कर रहे थे. बट ऑल एंड ऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, और भरत ने भी काफी कोऑपरेट किया. जब वो साइकिल चलाते हैं, उनके ऊपर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बस अपने क्रू को पूरी तरह से उन्हें ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते सिवाय साइकिल चलाने के लिए. और मुझे लगता है इस चीज को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जब आप अपना सब कुछ किसी और के हाथ में दे देते हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है. तो अच्छा एक्सपीरियंस था. और शूटिंग के लिए, जहां तक आप बोल रहे हैं, आपका दूसरा सवाल, हमारे टीम में लकीली कुछ बहुत ही छोटे लेकिन प्रतिभा से भरपूर, मतलब सुपर टैलेंटेड लोग हैं, जो कि ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते. सईश हमारा एक काफी यंग टीम मेंबर है, सुशांत टीम मेंबर है, जिन्होंने ये पूरे इवेंट को कवर करने का विजन देखा, वो कैसे चाहते हैं हर चीज को, और काफी अच्छे से उन्होंने कवर किया. और वापस आने के बाद एक और भी बड़ी टीम जुड़ गई साथ में, और जिन्होंने पूरा हाई का डॉक्यूमेंट्री बनाया, जो कि हमें वापस जब हम आज भी उसको देखते हैं, तो वो वापस हमें उसी टाइम में लेके जाता है. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों ने और बाकी टीम ने भी काम किया. ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. हम आपके पास लौटेंगे, पन्नू सर के पास भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ तीसरे मेहमान है विकास जी, उनका नजरिया बहुत मायने रखता है. अब आप पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को जो प्रोड्यूस
कर रहे हैं वो उड़ चलो की टीम है और विकास जी उस टीम से आए हुए हैं हमारे पास बातचीत करने के लिए। विकास जी बहुत स्वागत है भारत तक पर। आमतौर पर लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चुनते हैं कि भाई, और आज के जमाने में तो माहौल है वो 100 करोड़ वाला, हर किसी के दिमाग में चल रहा होता है कि यार कि लेट्स हिट टू 100 करोड़ क्लब। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ खड़े होना, खासकर वो भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें जोखिम बहुत है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है उस जोखिम का, क्योंकि आपको ये पता है कि जब आप ले में और वैसे स्केल पर शूट करना है, आपको लाइव शूट करना है, साइकिलिंग हो रही है, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वहां वेदर कंट्रोल्ड में नहीं रहेगा, कुछ भी कंट्रोल्ड में नहीं है सिवाय अपने लोगों के भी, और उनके भी हेल्थ कंडीशन अपने कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह के रिस्क फैक्टर को देखते हुए भी आप लोग इस डॉक्यूमेंट्री के साथ खड़े हुए, भरत पन्नू सर के साथ खड़े हुए, क्या कारण है वो बताइए पहले आप हमें। ऋषि जी, ये जानने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उड़ चलो है क्या। उड़ चलो एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो प्राइमरली फोर्सेस के लिए काम करती है। व्हेन आई से फोर्सेस, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो फौजी लोग हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, जैसे CISF, CRPF, BSF, ITBP, इनको हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। पहले 8 साल जो रहे हैं उसमें हमने ट्रैवल पर फोकस किया और बाद में अभी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ। दूसरी बात, हमारा फोकस हमेशा से यही हमारा मोटो है, विच इज सर्विस फॉर सर्विसेज, और एक विजन है जिसको हम बोलते हैं मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स। तो हम जानते हैं वो किन मुश्किलों से गुजरते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और इसके लिए हमको आप फैन बॉय उनका बोल सकते हैं फोर्सेस का। तो हम अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकते हैं, हमें लगता है कि जो वो कर रहे हैं उसमें हमने अपना कुछ योगदान दिया। भरत पन्नू सर के साथ हमारा एसोसिएशन काफी पुराना है, क्रॉस अमेरिका जब भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था तब भी, ले मनाली में भी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी, और आगे भी हमारा एसोसिएशन उनके साथ रहेगा। आर्मी या फोर्सेस स्पोर्ट्स के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर आप देखें तो काफी नंबर में जो एथलीट्स आते हैं जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो फोर्सेस से आते हैं, और ये भी एक रीजन था जो हमको, जहां पर हम कॉज को रख पाए हमेशा बिजनेस ऑब्जेक्टिव से आगे। एक प्रेसिडेंस शायद हम सेट भी करना चाहते थे या लोगों को इनकरेज करना चाहते थे कि बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें काफी कैपेबिलिटीज है इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को, और स्पेशली इफ दे आर डन बाय द फोर्सेस, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक मेजर रीजन था जिसके लिए हम पिछले कई सालों से पन्नू सर के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, और आगे भी जहां तक हमसे हो सकेगा हम कोशिश करते रहेंगे इस जर्नी में। अगर और भी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, अगर हम उनका ध्यान इस तरफ खींच के ले आ पाए, अगर वो हाई को देखते हैं और उस तरफ उनका ध्यान अट्रैक्ट होता है और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से भी कुछ, तो हमें लगेगा कि हमने उस एक जो फैन क्लब है उसको बढ़ा दिया है फौज के लिए जो फैन क्लब है। क्योंकि किसी भी फैमिली में अगर आप देखें तो कोई ना कोई होता है जो फौज में या तो जाना चाहता है या उनको हाईली एडमायर करता है। ये चीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी है। कंपनी का एक लार्ज पार्ट जो है वो आर्म फोर्सेस या उनके डिपेंडेंट्स से बना हुआ है, तो काफी ऑलमोस्ट क्वाइट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन उड़ चलो आर ईदर एक्स सर्विसमैन और दे आर द डिपेंडेंट्स फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। तो इसलिए हमारा ये कनेक्शन जो है वो बहुत डीप है, और हम कोशिश करते रहेंगे कि जितना इसको सपोर्ट कर सके आगे भी हम करते रहें। बहुत 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 ग्रेट है ये। पीछे आपके लिखा है कि हाउस द जोश, मुझे लगता है कि लोगों को सुनने के बाद वो जरूर कहेंगे कि हाई सा। तो वाकई भी ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है आप लोगों का। अच्छा, इसमें एक और सवाल हम ऐड करेंगे फिर भरत सर के पास लौटेंगे। इस तरह का के काम में मतलब मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बात करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल चुनौतियां बहुत होती हैं आप लोगों के सामने, और इस तरह के काम को आप लोगों ने जो शुरू किया कि
फोर्सेस का जो एक तरीके से आप बता रहे हैं बहुत सामान्य इंसान की भाषा में कि फैन क्लब की तरह से, आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम करना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या प्लान है कि इसे कितना बड़ा रूप दिया जाए, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा और बहुत जिसे हम कहते हैं डेयरिंग प्रोजेक्ट रहा है। जी, दो चीजें हैं, दो कॉजेस हैं जिनसे हम काफी ज्यादा एसोसिएट करते हैं अपने आप को, एक स्पोर्ट्स जैसा आपने बोला और दूसरा एजुकेशन भी एक दूसरा एक एरिया है। अगेन सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप से लेके AIT स्कॉलरशिप विच इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको एनकरेज करने तक हम कोशिश करते हैं ये कि फौज के पास जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे वेटरन्स हैं जो ये जानते हैं कि उनकी नीड्स क्या है, और जरूरी नहीं है कि हमेशा वो नीड्स इतनी ज्यादा हों कि हम पूरी ना कर पाए, तो इसलिए हम उनसे जुड़े रहते हैं। और फाइनेंशियल की अगर आप बात करें तो हाँ, ये है कि हर कोई अभी यूनिकॉर्न बनना चाहता है और हम भी चाहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कॉज हमेशा आगे रहा है इसके, और इसलिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हम, कई बार क्या होता है फाइनेंशियल चैलेंजेस से ज्यादा एक विल की जरूरत होती है, और हम वो लोगों में लाना चाहते हैं, और इसके थ्रू थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्री आई एम श्योर a lot of people are going to connect with बहुत अच्छा। I will back to Pannu sir. बहुत कम समय में सर हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हमारे पास भी वक्त की सीमा है और हमें लगता है कि लोग भी बहुत कम वक्त में समझ पाए, हम ये चाहेंगे कि पन्नु सर से हम जानना चाहेंगे कि सर ये आपने किया, आपने बताया कि किस तरीके का आपने रिकॉर्ड टाइम में सेट किया सब कुछ, और ये बहुत अच्छा रहा, हमने देखा है, हमें लगता है कि दर्शकों के पास भी जब ये जाएगा तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। सेना की तरफ से सर कितना आपको समर्थन मिला और सेना के पास से आपको क्या मैसेजेज आए, आपके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आपको क्या मैसेज दिया है, और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, जल्दी से अगर आप बता पाए। जी ऋषि जी, ये सेना हमेशा स्पोर्ट्स के साथ रही है, एंड इसका एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे उनसे लेके और नीरज चोपड़ा जी तक, सुबेदार नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी गोल्ड जीता, हर कोई जानता है कि फौज ने हमेशा स्पोर्ट्स का बढ़ोतरी के लिए हर प्रयास किया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। तो जब भी कोई भी फौजी, चाहे वो अपने पर्सनल पैशन के तौर पर या एज ए प्रोफेशन जिसमें वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है प्रोफेशनल रूप से, तो हमेशा सपोर्ट करती है और एनकरेज करती है हर लेवल पे। एंड जब भी हमें छुट्टी चाहिए होती है, दे कम फॉरवर्ड कि आप छुट्टी लीजिए और अपने पैशन को परस्यू कीजिए। साथ में ही जब आप पैशन को परस्यू करते हैं तो ये मैसेज हजारों तक या लाखों तक जाता है कि हमारे फौजी ने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। और सिर्फ फौजी ही क्यों, देश का हर बच्चा, हर जवान और महिलाएं, सभी को आगे बढ़ के इन चैलेंजेस को कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे ही चैलेंजेस को, इससे भी बड़े चैलेंजेस को अचीव करें। और चैलेंजेस ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि अगर आप जैसे मैसेज की बात करें तो मैं तो ये कहता हूं कि जो भी इंसान अपने, सभी जो इंसान हैं अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, एंड परिवार के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे बड़ा गिफ्ट आपने परिवार को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब होती है या आप ओल्ड एज में जब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण बिस्तर पे बेड रेस्ट में आ जाते हैं या किसी और परेशानी में चले जाते हैं, तो आपसे ज्यादा आपके परिवार वाले परेशान होते हैं। तो अगर वो परेशानी हटानी है और अपने परिवार के लिए आपका जो असीम प्यार है उसको दिखाना है, तो अपनी बॉडी को फिट रखिए और कोशिश करिए कि आप ही नहीं, आपके परिवार वाले, आपके जितने भी नोन हैं, सभी फिट रहें। ये जीवन का सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। भारत तक की तरफ से हम आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप लोगों की जब फिल्म सामने आए, जनता के सामने आए, तो बहुत अच्छा मैसेज लेकर आए, और ये इससे अक्रॉस द नेशंस देखा जाए, इसे बधाइयां मिले, इसे शुभकामनाएं मिले, लोग इसे देखें, इससे प्रेरित हो। तो आप लोग ने, हमारे साथ आप लोगों ने बातचीत की, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी दर्शकों से
बताना चाहेंगे कि जब भी हाई आपके सामने आएगी तो भारत तक फिर सामने आएगा पूरी टीम को लेकर और बताएगा कि आप कैसे हाई को देख सकते हैं और क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या कुछ उस फिल्म के जरिए मैसेज दिया जा रहा है, ये हमने बताने की कोशिश की है। और बहुत शानदार टीम जो थी भरत पन्नू सर की या उड़चलो की, सभी लोगों का पक्ष आपने सुना। हमें लगता है कि ऐसी फिल्मों को और भी ज्यादा सराहना मिलनी चाहिए ताकि ऐसी फिल्में लोग और प्रेरित हों और इस तरह की चीजें करें और उनको भी डॉक्यूमेंट किया जाए। आप देख रहे थे भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।